आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र के टीवीईसी में डॉक्टर अभिषेक गुप्ता नर्सिंग होम में नवजात शिशु की मौत होने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर व हॉस्पिटल में कार्यरत अनट्रेन्ड स्टाफ की लापरवाही की वजह से उनके नवजात शिशु की मौत हो गई। जानकारी करने पर पता चला कि टीवाईईसी की रहने वाली खुशबू को डिलीवरी के लिए विधा नर्सिंग होम में एडमिट किया गया था, जिसको ऑपरेशन से एक बेटा हुआ था, लेकिन बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने पर परिजन 3 दिन पहले डॉक्टर अभिषेक गुप्ता के नर्सिंग होम लेकर आए। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बच्चे का उपचार शुरू कर दिया। परिजनों ने बताया कि सुबह तक बच्चे की हालत बिल्कुल सही थी, लेकिन दोपहर को अचानक डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका। ये सुनते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और हंगामा शुरू हो गया। सूचना मिलते ही थाना एतमादौला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित हो रहे परिजनों को समझाया, लेकिन परिजन लगातार हॉस्पिटल कर्मियों की लापरवाही बताकर हंगामा मचाते रहे। पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर बच्चे की मौत का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। क्या घटना हुई है बताइए। हमारा बच्चा अभी तक सही था, इवन डॉक्टर ने जब रिपोर्ट्स आए दूसरे रिपोर्ट्स, उन्होंने बोला कि अभी बच्चा इम्प्रूव कर रहा है। और इन्होंने स्टार्टिंग में बोला, जिस दिन हमने भर्ती कराया था, इन्होंने कहा बच्चा क्रिटिकल है, लेकिन अगर उसका सैचुरेशन 90+ पहुँचता है तो बच्चा खतरे से बाहर हो जाएगा। और वो परसों रात से ही थोड़ा, जब सर्जरी हुई है उसकी, पाइप वगैरह पड़ा, उसके बाद से वो रिकवर कर रहा था, 90+ उसका सैचुरेशन जा रहा था। अभी तक सही था, दोपहर तक सही था, फिर सडन डॉक्टर अंदर जाते हैं, अपने स्टाफ को डांट लगा रहे हैं, सारी चीज़ें उनको बता रहे कि क्या लापरवाही करी है। हमें हमें आके बस ये बता दिया, हमारा बच्चा थोड़ी देर पहले सही था और अचानक आप आके बता रहे हो कि बच्चा डेड हो चुका है। क्रिटिकल। कितने बजे डॉक्टर ने सूचना दी थी डेथ होने की? 1 बजे के करीब। अच्छा, और आपने बच्चे को सही सलामत कितने बजे पाया था? बच्चा एकदम सही था, मूवमेंट थी, हाथ पैर हिला रहा था। इवन डॉक्टर और अंदर जो जो ये बोल रहे हैं नर्सिंग का है, इन्होंने इतना सीरियस बच्चा इनको आपने ऐसे दे दिया किसी के हाथ में, और ऊपर से वो कह रहे हैं अभी ये रिकवर कर रहा है, अब आप कह रहे हो वो नर्सिंग का है। फिर वहाँ के स्टाफ बोल रहे हैं आके कि नहीं, मैं तो अंदर था ही नहीं, मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं। ये सारी ये चीजें चल रही है। क्या नाम डॉक्टर साहब आपका? मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी, बच्चों का डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन, एमडी पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, यहाँ पर गुप्ता चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी होम में हूँ मैं। आपके नर्सिंग होम में एक बच्चे की लापरवाही से डेथ होने का आरोप लगा रहे हैं परिजन, क्या कहना है आपका पूरी बात? ये बच्चा बेबी ऑफ खुशबू नाम से है, विद्या नर्सिंग होम में हुआ था, मेरे यहाँ 13 तारीख को आया था। मैंने जब एडमिट मैंने ही किया था, देखकर मैंने उनको सब चीजें एक्सप्लेन करी थी कि बच्चा सीरियस है, परेशान है, दिक्कत है, देखना पड़ेगा कैसा है, नीला पड़ रहा था बिल्कुल। उसको हमने NICU में एडमिट किया, थोड़ी देर देखने के बाद फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसका एक्सरे और जांच हमें करनी पड़ेगी। जब मैंने एक्सरे और जांच करी उसकी, तो एक्सरे में उसको न्यूमोथोरेक्स आया, राइट न्यूमोथोरेक्स, उसके जो सीधे तरफ के फेफड़े थे वो फटे हुए थे। मैंने उनको फिर बताया कि इसको हमारे को ट्यूब डालनी पड़ती है, वो डालनी पड़ेगी, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं दे सकता। आप कहीं भी इस बच्चे को लेकर जा सकते हो, या किसी भी डॉक्टर को यहाँ पर बुला के दिखाना चाहो यहाँ पर दिखा सकते हो, या कहीं भी ले जाएं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, चांसेस ना के बराबर हैं इस बच्चे के बचने के। ये आपने कब कहा? जिस दिन भर्ती किया था उसी दिन। परिजन ये कह रहे हैं कि 12:30 बजे तक बच्चा उनका ठीक था, पैसे भी जमा करा लिए, उसके बाद में 1.5 घंटे बाद आपने सूचना दी कि बच्चा डेथ हो चुका है। नहीं, मैं उसका टाइम टू टाइम राउंड ले रहा था, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था 13 तारीख को दिन में, शाम को, रात को भी मैं उसे बता के गया बच्चा सीरियस है, आप कहीं भी ले जाना चाहो लेके जा सकते हो, बच्चा सीरियस है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप ये सोच के इलाज कराओ आपके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरे दिन फिर मैंने सुबह सुबह दोपहर शाम और रात फिर मैंने यही चीज उनको एक्सप्लेन की बार बार। बकायदा उसका मामा था बच्चे का, बच्चे का पापा था, बच्चे के नाना थे और मामी थी, इन सबको मैंने बताया। हर बार उन्होंने ये कहा कि नहीं सर, जो होगा सो देखा जाएगा, आप इलाज करते रहिए, गारंटी तो कोई भी नहीं देने वाला। परिजन का ये भी कहना है कि जो आपके यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है वो अनट्रेंड है और उन्हीं के कारण बच्चे की जान। मेरे यहाँ नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड है, मेरे यहाँ सारी, मेरे पास CMO रजिस्ट्रेशन है, मेरे सब बकायदा सब चीज पेपर्स लगे हुए हैं, मैं यहाँ पर 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक और देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।